हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। करंट असेसमेंट ईयर में अगर आपको किसी पिछले असेसमेंट ईयर की सैलरी या फैमिली पेंशन रिसीव होती है तो उसे हम एरियर सैलरी या फैमिली पेंशन बोलते हैं। अब इस एरियर सैलरी पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के नाम से, और इस रिलीफ को क्लेम करने के लिए आपको भरना होता है फॉर्म 10E। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, लेकिन फॉर्म 10E को भरते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आपको अपना फॉर्म 10E भरना है, उसके बाद आपको अपनी ITR सबमिट करनी है। फॉर्म 10E को सबमिट करने के लिए ई वेरिफिकेशन भी करना होता है, तो ई वेरीफाई कर लीजिए 10E को, उसे पूरी तरह से कम्प्लीटली फाइल कर दीजिए। उसके बाद जो आपके फॉर्म 10E का अमाउंट है वो ITR में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, और उसके बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है। फिलहाल अभी 10E का अमाउंट ITR में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, पर आप उसे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम फॉर्म 10E को फिल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप फॉर्म 10E को भरने बैठेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल भी पेन पेंसिल का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एक्सेल शीट बनाएंगे, हम सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कर रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी असेसमेंट ईयर की सैलरी रिसीव हुई है उस वाले असेसमेंट ईयर की आप एक्नॉलेजमेंट रिसिट को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको असेसमेंट ईयर 18-19 की एरियर सैलरी रिसीव हुई है, तो आप असेसमेंट ईयर 18-19 की एक्नॉलेजमेंट रिसिट को डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आपको 17-18 की एरियर सैलरी मिली है तो आप उस वाले ईयर की एक्नॉलेजमेंट रिसिट को डाउनलोड कर लीजिए। ITR फॉर्म डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिसिट डाउनलोड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा काम क्या करना है आपको कि आपको अपनी ITR को पूरा फिल कर लेना है। जो आपकी करंट ITR है वो पूरा आप अपने फॉर्म 16 से फिल कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्म 16 से अपनी पूरी ITR को फिलअप कर लिया है। पूरी टोटल सैलरी आपको यहाँ पर भरनी है, जो आपको एरियर सैलरी मिली है वो भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। इंक्लूड करते हुए आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है, डिडक्शंस डाल देने हैं और टैक्सेस पेड को भी कंफर्म्ड कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर टैक्सेस पेड में TDS की डिटेल्स भी डाल दी है, और यहाँ पर जो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाला कॉलम है इसे भी हमने कन्फर्म्ड कर दिया है। इसे एक बार ओपन करते हैं। यहाँ पर ये आपको पूरी कंप्यूटेशन दिखाएगा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, डिडक्शंस क्या है, टोटल इनकम क्या है, टैक्स पेबल, और यहाँ पर अभी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ये कॉलम अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और इसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब इस वाली कंप्यूटेशन में से आपको सिर्फ एक अमाउंट चाहिए होगा और वो है ये टोटल इनकम का अमाउंट जो हम अपने फॉर्म 10E में फिल करेंगे। तो इस टोटल इनकम के अमाउंट को आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं फॉर्म 10E पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी टोटल इनकम आई है इसमें एरियर सैलरी इंक्लूड है, लेकिन जब हम फॉर्म 10E भरेंगे तो वहां पर हमसे पूछता है कि आपको टोटल इनकम डालनी है विदाउट द एरियर सैलरी। आपकी जो टोटल इनकम है उसमें सैलरी एरियर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हम जब वहां पर टोटल इनकम डालेंगे तो हम इसमें से अपनी एरियर सैलरी को माइनस कर देंगे। अब जैसे कि हमें एरियर सैलरी मिली है असेसमेंट ईयर 18-19 की 1,00,000 रुपए, तो हम वहां पर फिलअप करते समय इस वाले अमाउंट में से 1,00,000 रुपए लेस कर देंगे। अब चलते हैं फॉर्म 10E पर। तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास उस वाले असेसमेंट ईयर की एक्नॉलेजमेंट रिसिट होनी चाहिए जिसमें आपको एरियर रिसीव हुआ है, और दूसरा आपके पास करंट असेसमेंट ईयर की टोटल इनकम होनी चाहिए जो आप इस कॉम्पिटिशन में से ले लेंगे। चलते हैं फॉर्म 10E की तरफ। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर पर्संस विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, और ये रहा आपका फॉर्म 10E फाइल नाउ। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 21-22, कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम क्योंकि एरियर सैलरी के लिए फाइल कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे, और ये वाला कॉलम आप फैमिली पेंशन के लिए भी टिक लगा सकते हैं। अगर फैमिली पेंशन का एरियर रिसीव हुआ है तब भी आप इसी तरह से अपने फॉर्म 10E को फाइल करेंगे, नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, आपको एक बार वो चेक कर लेनी है और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएंगी। यहाँ पर कोई भी लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है, बहुत शॉर्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप वेरीफाई कर देंगे तो ये बॉक्स आपका कन्फर्म्ड हो जाएगा।
हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड कर दी हैं, अब हम आते हैं एरियर सैलरी पर। अब यहाँ से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी और फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर। तो हमने जो भी अपने कंप्यूटेशन में टोटल इनकम निकाली थी, उस टोटल इनकम में से हमें सैलरी जो एरियर में मिली है उसको यहाँ पर लेस कर देना है। तो हमने जो अपनी कंप्यूटेशन में इनकम लिखी थी वो थी 11,83,240। तो हम इसमें से 1,00,000 रुपए कम कर देंगे जो कि हमें एरियर सैलरी का मिला है। तो हमारी इनकम यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10,83,240। इसके बाद हमें सैलरी जो हमें एरियर मिली है वो अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं डालना है। इसके बाद कैलकुलेशन इसने अपने आप कर दी है कि आपकी टोटल इनकम इतनी है, इस पर टैक्स बनता है 1,40,000 का। और इसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर से दिखेगा ऐड डिटेल्स, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एरियर सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। अब फॉर्म 10E को भरते समय आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर असेसमेंट ईयर पूछता है और कहीं पर प्रीवियस ईयर पूछता है। जब आपको अपनी एरियर सैलरी की डिटेल्स देनी है तब यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पूछता है, असेसमेंट ईयर नहीं पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिट से देख लीजिएगा कि असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूछ रहा है ये। अब हमने अपनी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिट डाउनलोड की है उसे हम ओपन कर लेंगे, और इस एक्नॉलेजमेंट रिसिट से भी हमें सिर्फ टोटल इनकम चाहिए और टैक्स का अमाउंट चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, इसमें हमारी टोटल इनकम है 10,88,000 की। वापस चलते हैं, प्रीवियस ईयर डालेंगे सबसे पहले। तो हमें एरियर सैलरी रिसीव हुई है असेसमेंट ईयर 19-20 में, जिसका कि प्रीवियस ईयर होगा 18-19। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रीवियस ईयर है हमारा 18-19। यहाँ पर देना है टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 10,88,000। टोटल इनकम का मतलब होता है नेट इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शंस लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आता है वो होता है टोटल इनकम। अब यहाँ पर देना है सैलरी और फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर रिलेटिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंशन्ड इन कॉलम 1। तो ये 18-19 प्रीवियस ईयर में जो भी आपको सैलरी या पेंशन रिसीव हुई है इस वाले करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका अमाउंट दे देना है। हमें 1,00,000 रुपए रिसीव हुए हैं इस वाले ईयर में, तो वो हम यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर आ गया है टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर, यहाँ पर ऐड हो गई है इसमें 10,88,000 में 1,00,000 रुपए ऐड हो गए हैं। इसके बाद पूछ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2। इस वाले कॉलम 2 पर जो टैक्स बनता है वो आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिट से मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रिसिट खोलते हैं, टोटल टैक्स कितना है हमारा यहाँ पर 14,04,456। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 4, ये यहाँ पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया है। जो भी आपके 18-19 प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम थी उसमें एरियर सैलरी इंक्लूड करने के बाद जो भी टैक्स बनता है वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। हमको सिर्फ एक्चुअल टैक्स की वैल्यू यहाँ पर देनी है, जो हमने प्रीवियस ईयर 18-19 का ITR फाइल किया था उसमें जो हमारा टैक्स का अमाउंट आ रहा था हमें सिर्फ वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर हमें टैक्स के लिए कोई भी कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन सारी ऑटो कैलकुलेट हो जाती है, आपको सिर्फ इनकम की इंफॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पर नीचे दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट हो गया है 28,600, इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ गई है, प्रीवियस ईयर 18-19, टोटल इनकम ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 10,88,000, एरियर सैलरी रिसीव्ड 1,00,000 रुपीज, टोटल इनकम एज इंक्रीज बाय सैलरी और फैमिली पेंशन 11,88,000, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 4 और डिफरेंस इन अमाउंट 28,600। अब हम ऊपर जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कॉलम ऑटो फिल हो गया है, सैलरी और फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर जो हमने डिटेल्स ऐड की हैं उससे ये ऑटो फिल हो गया है। और यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में डिफरेंस ऑफ आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 5 ये भी ऑटो कैलकुलेट हो गया है। आइटम नंबर 4 और 5 क्या है, 4 है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 ये है मतलब कि आपकी टोटल इनकम जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम है उसमें एरियर सैलरी जोड़ने के बाद जो इनकम बन रही है उस पर जो टैक्स बनता है वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो गया है। और आप अपने ITR से भी कंफर्म कर लीजिएगा, आपने अपने ITR में जो अभी इन्फॉर्मेशन भरी हैं
जो हमने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, वहां पर भी आपका यही टैक्स आ रहा होगा। इसके बाद आइटम नंबर 5 में क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 क्या है हमारा, करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम में से हमने एरियर सैलरी को माइनस कर दिया था और यहाँ पर अमाउंट लिखा था, तो इस वाली इनकम पर इसने टैक्स को ऑटो कैलकुलेट कर दिया है और इन्हीं दोनों टैक्सेस का डिफरेंस ये यहाँ पर दिखा रहा है 31,200। और आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कितना है, इस 31,200 में से जो ये यहाँ पर 28,600 निकल कर आया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है। तो यहाँ पे 2600 रुपए का रिलीफ मिल रहा है जो कि ITR में क्लेम किया जा सकता है। अब आपको इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद ये वाला कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन पार्ट पे जाना है। वेरिफिकेशन पार्ट में आपको यहाँ बॉक्स में टिक लगाना है और सेव कर देना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू में आपको सारी कैलकुलेशंस मिलेंगी, इनको एक बार चेक कर लीजिएगा और इसके बाद आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आधार OTP का ऑप्शन है, बैंक अकाउंट EVC से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट EVC से कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन से चाहें उससे आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, ई वेरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद ही आपको अपने रिलीफ के अमाउंट को अपने ITR में शो करना है। वैसे तो ये अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए ITR में, लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं हो रहा है तो हम इसे मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने ITR पर। अब हमने क्योंकि पूरा ITR भरा हुआ है तो हम रिज्यूम फाइलिंग कर लेंगे, ओके। और ये आ गए हम टैक्स लायबिलिटी के हेड में, यहां पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें मिल जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यहां पर हम वो 2600 रुपीज फिल कर देंगे जो हमें रिलीफ मिला है। हमारा टैक्स यहाँ पर कम हो गया, हमें सिर्फ 1,68,971 का टैक्स यहाँ पर बन रहा है जिसे कि हम पे कर देंगे। फॉर्म 10E को भरने के लिए अगर आप इस वाले लिंक से जाएंगे तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ से मत जाइएगा, आप हमेशा फ्रेश फॉर्म ओपन करिएगा तभी आप फॉर्म 10E को फिलअप कर पाएंगे। तो बस फ्रेंड्स इतना सा था ये फॉर्म 10E, होप कि आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और आपने काफी ईजी वे में इसे सीखा होगा। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों, आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।